ट्रेन जैसे देख सकते हो ये आ चुका है और ये तो बहुत जल्दी आ जाएगा। सो हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं हूं शुक्ला और आप देख रहे हैं 8 प्रैक्टिकल्स। फ्रेंड्स बेसिकली आज मैं 12 केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर बेस्ड एक्सपेरिमेंट है वो आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है। कुछ आपके टेस्ट बुक में कुछ मिस्टेक्स दिया हुआ जिसकी वजह से आपकी रीडिंग नहीं आ पाएगी, ठीक है, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा। बेसिकली एक्सपेरिमेंट का हमारा एम क्या है कि हमें पोटेशियम आयोडाइड का ना रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है, और इसका किसके साथ में डिटरमाइन करना होता है, किसके साथ में इसका रिएक्शन होता है, सोडियम सल्फाइड के साथ में, ठीक है। और बेसिकली इसमें होता क्या है, हम रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडेट एंड सोडियम सल्फाइड का फाइंड आउट करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो हमारा पोटेशियम आयोडेट होता है, आयोडेट वो क्या करता है, स्टार्च के साथ में रिएक्शन करके ना ब्लू कलर देता है, और जैसे जैसे तुम पोटेशियम आयोडेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो ब्लू कलर जनरेशन होना बहुत ही तेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कम टाइम में ही ब्लू कलर आ जाएगा। तो वही बस इस एक्सपेरिमेंट उसी का रेट डिटरमाइन करना है कि रिएक्शन कितना फास्ट वे से कैरिड आउट होता है, रिएक्शन कितना फास्ट से क्या होता है, कैरिड आउट होता है, ठीक है। तो चलो उसके लिए हमें कुछ लगने वाला है, ये हमारे पास पोटेशियम आयोडेट की IO3, ठीक है, ये हमारे पास है एस्ट्रोसोफोर, ये एस्ट्रोसोफोर का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको आपको लेना है 0.2 मोल, ना कि 2 मोलर, 0.2 लोगे तभी आएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद हमें लेना है ये बेसिकली वाटर लेना है, स्टार्च लेना है, और यहाँ ये हमारा है सोडियम सल्फाइड, ठीक है। अब हमें करना है, हमारे पास 4 क्वानिकल पास गिवन है, अब हम एक अलग अलग क्वानिकल पास में अलग अलग सॉल्यूशन पुट करेंगे और देखेंगे कि किसमें रेट ऑफ रिएक्शन कितना हाई होता है। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल्स नाउ। देखो पहले ए बी सी डी है आपका, मैं बेसिकली इसको ए मान रहा हूँ, बी सी डी, मुझे क्या करना है, पहले ए बी सी में पोटेशियम आयोडेट सोल्यूशन को पुट कर देना है। कितना कितना ML डालना है, तो पहले में 10, दूसरे में 20, 30, 40 ऐसे करके डालना है। तो पहले में मुझे कितना डालना है, 10, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट में कितना पुटअप करना है, 10 ML, तो मैं यहाँ पे 10 ML पुटअप कर रहा हूँ पहले में। दूसरे में मुझे कितना डालना है, 20 ML, तो मैं दूसरे में 20 ML ऐड करूंगा। तीसरे में 30 ML, 30 ML, और लास्ट वाले में मैं कितना पुट करूंगा, 40 ML, ठीक है। अब देख रहे हैं, मैं लास्ट में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया हूँ, 40 ML आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा लास्ट वाले में मैं ज्यादा पोटेशियम आयोडेट पुट कर रहा हूँ, दैट इज 40 ML, और इसी का हमें रेट डिटरमाइन करना, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडेट एंड सोडियम सल्फाइड, ओके। उसके बाद हमें हर एक इसमें कोनिकल फ्लास्क में 10 10 ML 2 मोलर का एस्ट्रोसोफोर डालना है, तो मैं पहले में 10 ML ऐड करता हूँ। लास्ट वाले में भी मैं कितना ऐड करने वाला हूँ, 10 ML, तो मैंने सब में 10 10 ML पोटेशियम सॉरी इसका एस्ट्रोसोफोर को ऐड कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड व्हाट, वाटर, तो पहले में मुझे वाटर जो ऐड करना है वो कितना ऐड करना है, 80 ML, सेकेंड वाले में हमें ऐड करना है 70, मतलब मैं वाटर का देखो डिक्रीज करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, थर्ड वाले में हमें ऐड करना है 60 ML, लास्ट वाले में आपको ऐड करना है 50 ML, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सब में 5 5 ML आपको स्टार्च ऐड करना है, स्टार्च सॉल्यूशन, तो मैं सब में 5 5 ML स्टार्च सॉल्यूशन को ऐड कर देता हूँ। सोडियम सल्फाइड, ठीक है, 25 ML, और स्टॉप वॉच क्या करेंगे, ऑन करेंगे चलते टाइम। सो 25 ML में सोडियम सल्फाइड डालूंगा, और ये मेरा है स्टॉप वॉच, और स्टॉप वॉच को चालू करूंगा, कब तक देखूंगा, जब तक इसका ब्लू कलर ना आ जाए, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ और स्टॉप वॉच क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देखेंगे कि कितने टाइम पे ये कलर इसका चेंज होता है, दैट इज ब्लू कलर में अपियर होना चाहिए, जैसे ये ब्लू कलर आ जाएगा वैसे हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, इसका कलरिंग ब्लू कलर में जैसे कन्वर्ट हो जाएगा हम इसके टाइम को क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, और फिर दूसरे में ऐसे हमें 25 25 25 ML डालना है, और टाइम को क्या करना है, कंटिन्यूअसली नोट डाउन करना है।
मेरे पास एक और मोबाइल है तो मैं दूसरे में भी ऐड करके स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आप लाइन वाइज कीजिएगा कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है अभी, ठीक है। तो मैं अगेन दूसरे में भी कितना डालूंगा, 25 ml, और स्टॉप वॉच को क्या करूँगा, स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे भी 25 ml ऐड करता हूँ, ठीक है, और इस भी स्टॉप वॉच को मैं कर, फाइनली आ चुका है, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये आ चुका है, दैट इज योर ब्लू कलर, बहुत ही तेज आया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने दूसरे का टाइमिंग स्टार्ट कर दिया है, इसको जो टाइम मिला है मुझे 1 मिनट 36 सेकेंड 55 मिनट, ठीक है, मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 मिनट 36 सेकेंड, हो जा रहा है ये। अब देखो नाउ दिस इज द ब्लू कलर, ये मेरा आया है 39 मिनट में, 40 है, 39 सेकेंड, मतलब 40 है, ठीक है। थर्ड वाला मैं करता हूँ, थर्ड वाले में भी मुझे कितना ऐड करना है, थर्ड वाले में भी मुझे 25 ml ही ऐड करना है, ऐड करते हैं थर्ड वाले में 25 ml। अब थर्ड वाले मुझे फ्रेंड वापस से 25 ml ऐड करना, तो मैं 25 ml वापस से सोडियम सल्फाइट को लूंगा और वापस से इसमें क्या करूंगा, ऐड करता हूँ और स्टॉप वॉच ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो फाइनली मैंने स्टॉप वॉच यहाँ पे ऑन कर दिया है और देखते हैं कि इसका रीडिंग कब आता है हमें। मैं लास्ट वाला भी कर लेता हूँ, ठीक है, 25 ml इसमें भी मुझे सोडियम सल्फाइट डालना है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा और इसका स्टॉप वॉच ऑन कर दूंगा। जैसे देख सकते हो ये आ चुका है और ये तो बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये सारे प्रैक्टिकल्स हो गए हमारे। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे क्या देखा कि जैसे जैसे मतलब आयोडीन बेसिकली क्या कर रहा है, जो आयोडाइड है वो बेसिकली क्या कर रहा है, स्टार्च के साथ में रिएक्शन करके ब्लू कलर दे रहा है। तो यहाँ से यहाँ जाते टाइम मैंने देखा यहाँ पे 10 ml पोटेशियम आयोडाइड यूज किया था और यहाँ पे 40 ml यूज किया, तो कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ाया था। अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या हुआ, ये थोड़ा लेट ब्लू कलर में कन्वर्ट हुआ और इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, तेज हुआ, मतलब ये बेसिकली तो 20 सेकेंड में ही आ गया है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके हमें मिले ये चीजें। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे आप किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी रिएक्शन, आप मेरे बाजू में टेबल देख रहे होंगे, उसमें मैंने सारी रीडिंग्स भर दिए, आप एज यूजल उसको लिख लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज एंड प्लीज ऐसी प्रैक्टिकल्स, मजेदार प्रैक्टिकल्स देखने के लिए इस पे 11th 12th से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है, आप चाहिए चैनल को चेकआउट कीजिए, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो सारे प्रैक्टिकल्स है, ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल, सॉल्ट एनालिसिस है एवरीथिंग, और कैसे आपको समझाना है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेहनत की है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।